मेरा नाम साहिल अहमद लोन है, मैं बरपोरा पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इस वक्त एक कलमकार की हैसियत से काम कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। जो लिखने का सिलसिला जो है, ये मैंने आज से करीबन 3-4 साल पहले मतलब सिलसिला शुरू किया था। सलाहियत मौजूद है और मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने कंधों पे एक जिम्मेदारी दी है और जिसको मुझे पूरा बहसन बहुत खूबी अंजाम देना होगा, और उसी जिम्मेदारी को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैंने अपना कलम उठाया। मुझे लगा तख्लीकी सलाहियत है, मैंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले जो मेरी तख्लीकात है वो यहाँ वादी में शाया हुई, यहाँ के जो मौकर रोजनामे हैं उनमें, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा, उसके बाद कौमी और उसके बाद बैन अवी सतह पर आज अलहमदिल्ला मेरी तख्लीकात शाया होती है। मादा आप में डाला होता है तो इसमें इंस्पायरेशन की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप में बाई नेचर होता है। आप तख्लीकी सलाहियत या क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं, आपने खरीद नहीं सकते। जैसे कोई इनबॉर्न पेंटर होता है, कोई इनबॉर्न राइटर होता है, तो ये राइटिंग है। हाँ, होता है कि उनमें निखार पैदा करने के लिए आपको कुछ मतलब तरीके अपनाने पड़ते हैं। मतलब मैंने मुताला का, मुझे बचपन से शौक था, मैं मुताला बहुत ज़्यादा करता, खासकर उर्दू की तरफ ज़्यादा रागिब था, तो क्योंकि उसमें एक मिठास है, वो चाशनी की ज़बान में, खासकर हमारी सरकारी ज़ुबान है, तो मैंने उसी को चुना उर्दू को। उस पर अच्छा खासा अबूर भी हासिल था, तो ये सिलसिला फिर आगे बढ़ा। उर्दू को मैंने मुताला किया, उससे जो है वोकैबुलरी उसे स्ट्रांग हुई, उस पर दस्तरस काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई, और इस मैंने इसमें जो है इजहार राय किया, इजहार ख्याल किया। करियर की बात है तो मैं एक आर्ट्स का ह्यूमैनिटीज़ का तालिबे इल्म हूँ, और हाल ही में हमारे 12वीं जमात के नतीजे सामने हैं, उनमें अल्लाह के फजल से 472 मार्क्स हमें थे, और अल्लाह के फजल से जहाँ तक मुझे मालूम है तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया हूँ ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। तो इसके लिए हमें हाल ही में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा साहब ने हमारे लिए एक सिक्योरिटी का इनाम रखा था, लेकिन खैर कुछ नागुजर ज़रूरियात की वजह से मैं वो नहीं ले पाया। इसके अलावा इससे पहले भी मतलब एकेडमी के लिए अल्लाह के फजल से मुझे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जी साहब और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा साहब ने बेस्ट स्टूडेंट।